हेलो एवरीवन, आज हम लोग ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े से टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं। दैट इज 1-2 and 1-4 एडिशन। किस केस में 1-2 एडिशन होगा और किस केस में 1-4 एडिशन होगा। ये ना होते दोनों पैरेलल हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सिमिलर सा लगेगा सब कुछ, लेकिन ना दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, माइन्यूट सा, और वो बच्चे लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से आया है, 1-2 किस केस में हो गया, 1-4 किस केस में हो गया। तो उसी चीज़ को मैं पकड़ने की कोशिश कर। आपके पास 1-2, 1-4 एडिशन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एक कंपाउंड बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ए ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या होगा आपके पास, सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बेसिक काम होता है, आप समझिए कि R माइनस आएगा, कहीं पे अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए दो पोजीशंस अवेलेबल हैं। कौन कौन सी दो पोजीशन अवेलेबल हैं? ये वाली पोजीशन, यहाँ पे अटैक कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाए और ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाए। तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी हो सकती है? इस पे अटैक हो सकता है। या दूसरी पोजीशन कौन सी हो सकती है? इसी चीज़ को मैं हटा देता हूँ, आप देखिए दूसरी पोजीशन कौन सी बनेगी, यहीं पे डायरेक्टली अटैक कर दे। जो आपका R माइनस है ना, इस केस में मिथाइल, जो R माइनस है वो यहाँ पे अटैक कर सकता है या यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो दो पोजीशन अवेलेबल हो गई, ये वाली और ये वाली, दो पोजीशंस आपके पास दिखाई दे रही होंगी। तो इन दोनों पोजीशंस में से मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किस पे अटैक करेगा, ये कैसे डिसाइड करें? और इसी का एक और मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ क्वेश्चन को। आप ले लीजिए R2CuLi, ये कौन सा रिएजेंट है? गिलमांस रिएजेंट यहाँ पे है। इस रिएजेंट केस में क्या होगा? इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन एक केस में आपका यहाँ पे अटैक होगा, एक केस में यहाँ पे अटैक होगा। तो डिसाइड कैसे करें कि कहाँ पे कौन सा अटैक होगा? ये वाला जो अटैक कहलाता है 1-4 एडिशन, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप काउंट करना शुरू कीजिए। पहली पोजिशन कौन सी? 1, 2, 3 and 4। फर्स्ट पोजीशन से लेकर फोर्थ पोजीशन तक आपका पूरा इन्वॉल्व है। जबकि 1-2 एडिशन में क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक हो, जैसे 2 और 1 के बीच में अटैक अगर हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 1-2 एडिशन है। 1-2 and 1-4 टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन आते हैं। ये जो दोनों एडिशन हैं 1-2 and 1-4, इनमें डिसाइड करने के लिए फैक्टर आपके पास रहेगा। अगर आपके पास सॉफ्ट मेटल है तो वो अटैक करेगी 1-4 पोजीशन पे। अगर आपके पास हार्ड मेटल है, सॉफ्ट हार्ड कौन से, पियर्सन वाले, पियर्सन वाला हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, उसको यूज करके यहां पे हम लोग डिसाइड करेंगे। और उसको यूज करना है तो क्या करेंगे, आप देखिए कि अगर सॉफ्ट मेटल है, इफ सॉफ्ट मेटल इज देयर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1-4 एडिशन। अगर हार्ड मेटल है तो कौन सा हो जाएगा, 1-2 एडिशन। तो बड़ा सिंपल सा है, सॉफ्ट मेटल हो तो 1-4 एडिशन, हार्ड मेटल हो, मेटल आयन बेसिकली, या हार्ड मेटल बोल सकते हो। इस केस में मैग्नीशियम क्या होगा, हार्ड मेटल कैटेगरी में आता है, 1-2 एडिशन देगा, जबकि जो कॉपर होता है वो सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। मैग्नीशियम क्या होगा, हार्ड मेटल कैटेगरी में, कॉपर कौन से, सॉफ्ट मेटल कैटेगरी, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, कुछ ऐसा, फोर्थ पे अटैक करा दो आप, फोर्थ पे अटैक करा करके क्या बनेगा आपके पास, ओ माइनस, यहां पे कुछ ऐसा, और यहां पे क्या लगा दो, Me। जबकि ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट आएगा, ऊपर वाले में थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा, ऊपर वाले में ओ माइनस और यहीं पे Me लग जाएगा, मिथाइल जो है वो ग्रुप यहीं पे लग जाएगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। तो समझे फर्क, फर्क मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, 1-2 एडिशन केस में क्या होगा, 1-4 एडिशन केस में क्या होगा, और सॉफ्ट और हार्ड डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे। तो आप देखिए जो R2CuLi है, कॉपर जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा वो सॉफ्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। समटाइम्स क्या कर देते हैं, आपके पास MeMgBr और इसी के साथ मेंशन कर देंगे कि CuO दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड। तो अगर कॉपर आ गया ना तो आपको कौन सा जाना है, 1-4 पे जाना है इंस्टेड ऑफ 1-2। दो ये लगेगा कि आपको ये सॉफ्ट है, सॉरी ये वाला हार्ड है, ये वाला कौन सा है, हार्ड है, लेकिन ये डोमिनेट करेगा, इसी का खेल चलेगा सारा। ये सॉफ्ट है तो इससे केस बिगड़ जाएगा, ये 1-4 एडिशन पे ले जाएगा। ये वाला कौन सा देता, 1-2 एडिशन, ये वाला कौन सा ले जाएगा, 1-4 एडिशन पे। इस तरह से मेरे ख्याल से आप सब लोग डिसाइड कर पाओगे। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, वो आपको थोड़ा क्लिक करेगा।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए करेंगे क्या, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आर माइनस अटैक करेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अटैक ये वाला ही पार्ट करेगा। आर पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड वाली पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आएगा तो ये सब जगह पे डेल्टा प्लस क्रिएट कर देगा कुछ रेजोनेंस की वजह से। तो ये जो सेंटर्स होंगे दोनों के दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, तो इन दोनों पे अटैक हो सकता है। अब आपने देखा कि ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है, 1-4 एडिशन देगा, इतना भी ठीक है। आर माइनस कहाँ पे आके अटैक कर देगा, सिंपली इस पोजीशन पे आके अटैक कर देगा। डबल बॉन्ड यहां से यहां मूव करेगा, करेक्ट ना, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आएगी। डबल बॉन्ड यहां से यहां मूव करा दो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहां से यहां मूव कर गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव जनरेट हो गया। इससे आपके पास कुछ ऐसी चीज बनेगी, यहां पे ओ पे माइनस चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और ये 1-2-3-4 कार्बन के बाद आयोडीन, ठीक है, चार कार्बन के बाद आपने आयोडीन लगा दिया और यहां पे क्या लग जाएगा, आपका आर ग्रुप लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ओ माइनस वापस से नीचे आएगा, एल्डोल की तरह इस डबल बॉन्ड से इसी सेंटर से इस पे अटैक हो जाएगा, इस पे अटैक हो जाएगा तो इंटरमोलिकुलर आपके पास रिएक्शन हो जाएगी, आयोडीन निकल के चला जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा। देखने से नहीं लगता था कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि 5-membered रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कौन से आपके पास सॉफ्ट होते हैं कौन से हार्ड होते हैं। तो LiAlH4 ये आपने देखा होगा, ये क्या हो देता है, हार्ड एडिशन देता है, मतलब 1-2 एडिशन देगा, ये हार्ड है तो 1-2 एडिशन देगा। कुछ दो मैंने आपको बताए हैं अभी अभी, और देखिए NBuLi ये भी आपका क्या होगा, हार्ड होगा, 1-2 एडिशन देगा, ओके। RMgX और R2CuLi का मैं R2CuLi दैट इज सॉफ्ट एंड गिव्स 1-4 एडिशन, तो R2CuLi क्या देगा, 1-4 एडिशन देगा। RMgX NBuLi LiAlH4 सबके सब हार्ड हैं, 1-2 एडिशन देंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, थैंक यू।